हल्क वैन मुझे माफ कर दो, मैं हल्क बस्टर नहीं जानता था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे, लेकिन अभी मैं तुम्हारी सिटी में कभी नहीं आऊंगा। नहीं हल्क बस्टर, तुमने हल्क वैनम को बहुत ही कमजोर समझा था, लेकिन आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अरे गाइस यार, पता नहीं क्यों ये हल्क बस्टर हमारे पीछे पड़ चुका है, और मैं जैसे ही रुक रहा हूँ ना यार, ये मुझे मारने लग रहा है। तो जल्दी से मैं अभी अपनी ना मशीन गन निकालता हूँ, और जल्दी से मैं अभी इसे मारने की ट्राई करता हूँ। तो देखो यार, मैं इसे कितना भी मारूंगा ना, तो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है यार, ये तो मुझे बिल्कुल छोड़ने नहीं वाला है। फ्रैंकलिन, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और तुम रुकते ही मैं तुम्हें बहुत तेज मारने लगूंगा। ओह शिट गाइस, यार ये तो आज हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। तो जल्दी जल्दी से मैं अभी अपनी यहाँ पर बाइक निकालता हूँ, और जल्दी से यहाँ पर भागता हूँ। तो चलो देखते हैं कि यार ये हल्क बस्टर हमें फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। और गाइस यार, ये हल्क बस्टर ना अभी हमारी पूरी सिटी में तबाही मचाने वाला है, इसीलिए यार अभी मुझे जल्दी से हमारे हल्क के पास चलना चाहिए। तो चलो यार, अभी हम जल्दी से अपने हल्क के पास चलते हैं। सो ऑलराइट गाइस यार, अभी हम यहाँ पर हमारे हल्क के पास आ चुके हैं, और हमें यहाँ पर ही हमारा हल्क मिलने वाला है। तो ये देखो यार, मुझे यहाँ पर हमारा हल्क मिल भी गया। तो हेलो हल्क यार, तुम कैसे हो? अरे फ्रैंकलिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अरे लेकिन क्यों हल्क यार? फ्रैंकलिन, तुमने पिछली बार मेरे मॉन्स्टर ट्रक को चुरा कर अच्छा नहीं किया था, और आज मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला हूँ। अरे लेकिन हल्क यार, तुम्हें कैसे पता यहाँ पर मैं तुम्हारी हेल्प लेने आया हूँ? फ्रैंकलिन, तुम्हें जब मेरी मदद चाहिए होती है, तुम सिर्फ तभी मेरे पास आते हो। अरे गाइस यार, जहाँ तक मुझे लगता है ना, ये हल्क तो यार बिल्कुल भी हमारी हेल्प नहीं करने वाला है, इसीलिए यार अभी मुझे जल्दी से इसे मारना होगा। तो जल्दी से मैं अभी अपनी गन निकालता हूँ। तो चलो अभी हम जल्दी से इसे मारते हैं। सो 3, 2, 1। ये देखो यार, मैंने इसे एक मारा तो है, लेकिन मेरा टारगेट पिछला मिस हुआ था। और ये देखो, मैंने इस हल्क का भाई क्या ही तो बना दिया है। तो चलो देखते हैं कि यार अभी ये हल्क उठने वाला है या फिर नहीं उठने वाला है। और जहां तक मुझे लगता है यार, हमने इसे पूरी तरीके से बेहोश कर दिया है। गाइस यार, हमने ना यहाँ पर हमारे हल्क को तो बेहोश कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि यार हमारा ये आइडिया अच्छा नहीं था, इसीलिए यार अभी मुझे जल्दी से यहाँ पर हमारे हल्क की पावर एब्जॉर्ब करनी चाहिए, ताकि यार मैं हमारे हल्क का ना सीरम ले सकूं। तो चलो देखते हैं कि यार हमारे हल्क का सीरम कैसा होता है। सो 3, 2, 1। सो ऑलराइट गाइस यार, अभी हमने यहाँ पर हमारे हल्क का सीरम निकाल लिया है, और जैसे ही हमने हमारे हल्क का सीरम निकाला, इसकी बॉडी यार कुछ कुछ काली पड़ चुकी है। और ये देखो यार, हमारे हल्क का सीरम तो काफी ज्यादा ही पावरफुल है, और इसमें से तो एनर्जी निकलती जा रही है। तो चलो यार, इससे पहले कि ये एनर्जी फिर से हल्क में जाए, हम जल्दी से इसे लेकर यहाँ से निकल लेते हैं। तो भाई लोग, अभी हमने यहाँ पर हमारे हल्क का सीरम चुरा लिया है, और ये सीरम काफी ज्यादा ही खतरनाक लेवल का है। और यार अभी ना मुझे इस सीरम का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना यार हमारा हल्क मुझे बहुत ही ज्यादा मारने वाला है। तो यार हम ना यहाँ पर एक काम करते हैं, हम अपना एक न्यू एवेंजर बनाते हैं, जो कि उस हल्क बस्टर को भी हरा सके। तो चलो देखते हैं कि यार हमारा अगला एवेंजर कहाँ पर हो सकता है, और वो सुपर हीरो यार कोई अच्छा वाला ही हो। तो चलो अभी हम अपने दूसरे सुपर हीरो को ढूंढते हैं। सो ओके गाइस यार, अभी मुझे यहाँ पर हमारा अगला एवेंजर मिल चुका है, और वो एवेंजर काफी ज्यादा ही पावरफुल है। तो मैं एक बार यहाँ पर आता हूँ। यार ये गाड़ी ना मेरी पोजीशन को एक्सपोज कर देंगी, तो चलो मैं इसके ट्रक के पीछे पीछे ही रहता हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी बाइक के पीछे छुप जाता हूँ। और ये देखो गाइस यार, हमारे सामने अभी हमारा वैनम है, जो कि काफी ज्यादा ही पावरफुल है। मैं यार इस बैरल के पीछे छुपा हूं ना, तो यार ये मुझे देख भी नहीं पा रहा है। तो जल्दी जल्दी से मैं अभी अपनी सबसे पावरफुल गन निकाल लेता हूं, जिसकी मदद से कि यार हम ना इस वैनम को मारने वाले हैं, क्योंकि वैनम को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो मैं इसके पास जाने की ट्राई करता हूँ। तो चलो देखते हैं कि यार हम इसे मार पाते हैं या फिर नहीं मार पाते हैं। सो 3, 2, 1। ये देखो यार, मेरा निशाना क्या ही तो मस्त था। और अभी इस वैनम का क्या हाल हो चुका है यार, ये बीच में फंस चुका है, और इसी के साथ यार ये वैनम भी यहाँ पर बेहोश हो गया। लिटरली गाइस यार, इस वैनम को मारना काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि मेरा निशाना अगर एक बार भी चूक जाता ना, तो यार आप वैनम की पावर को जानते नहीं हो। और अभी हम इसका भी सीरम निकालने वाले हैं, फिर देखना यार ये वैनम कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो चलो यार, अभी मैं जल्दी से इस वैनम का सीरम भी निकाल लेता हूँ। सो 3, 2, 1। तो गाइस यार ये देखो, हमने यहाँ पर हमारे वैनम का भी सीरम निकाल लिया है,
और इसके सीरम में यार कितनी ज्यादा पावर है कि यार यहाँ पर ना आग लगी हुई है। तो जल्दी से यार अभी मुझे इस सीरम को भी आराम आराम से उठाकर लेकर जाना होगा। तो चलो यार अभी हम अपना कोई दूसरा विकल्प पकड़ते हैं। तो गाइज अभी हमने यहाँ पर हमारे दो अवेंजर्स के सीरम चुरा लिए हैं, जिसमें से कि एक तो हमारा हल्क है और एक हमारा वेनम है। और यार आप तो दोनों की पावर जानते ही हो कि दोनों कितने ज्यादा पावरफुल है, एंड जब इन दोनों की पावर एक साथ मिक्स होगी तो वो कितना ज्यादा भयंकर होने वाला है वो तो यार आपको देखना ही चाहिए। इसीलिए गाइज यार अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार एक बार जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हम अपने न्यू अवेंजर को जल्दी से बना सके। एंड यार मैं सोच रहा हूँ ना, हमारे पास हमारी सिर्फ दो अवेंजर्स का ही सीरम है, तो यहाँ पर मुझे हमारे रेड हल्क का और सीरम लेना चाहिए। लेकिन यार हमारा रेड हल्क काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए यार अगर आप हमारी वीडियो को लाइक कर दोगे ना तो यार मैं हमारे रेड हल्क के पास पहुंच जाऊंगा। इसीलिए प्लीज यार अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो यार एक बार जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो यार अभी हम अपने काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं और आपको वन पर हमारी वीडियो को लाइक करना है। सो 3, 2, 1। सो थैंक यू गाइज यार हमारी वीडियो को लाइक करने के लिए। हम जान चुके हैं कि यार आपने हमारी वीडियो को लाइक कर दिया है, इसीलिए यार अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर कि हमें हमारा रेड हल्क मिलने वाला है। तो चलो यार अभी यहाँ पर हमें हमारे रेड हल्क को ढूंढना होगा। और यार यहाँ पर मैं अपनी सबसे पावरफुल गन को निकाल लेता हूँ ताकि हम रेड हल्क को मार सके, क्योंकि यार हमारा रेड हल्क काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। तो चलो देखते हैं कि यार हमारा रेड हल्क कहाँ पर हो सकता है। वैसे ये एरिया उसी का है, और वो देखो गाइस यार हमें यहाँ पर हमारा रेड हल्क मिल चुका है और ये वहाँ पर किसी को टारगेट कर रहा है। मुझे लगता है कि यार ये अपना शिकार ढूंढ रहा है वहाँ पर। तो चलो अभी हम जल्दी से इसे मार देते हैं, वरना यार ये हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो ये देखो मैं रेड हल्क का क्या हाल करता हूँ, मेरी रेड लेजर रेड हल्क को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। और ये देखो यार मैंने अपनी गन को ना बिल्कुल संभाल कर रखा था ताकि यार मैं रेड हल्क को मार सकूं, और हमने यहाँ पर रेड हल्क को बेहोश भी कर दिया है। सही में गाइस यार मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमने रेड हल्क को मार दिया है, वरना यार हमारा रेड हल्क कितना ज्यादा पावरफुल है। हमारा रेड हल्क यार हमारे ग्रीन हल्क को भी नहीं छोड़ता है। तो चलो यार अभी हमें यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अभी हमें यहाँ पर जल्दी से हमारे रेड हल्क का सीरम भी निकालना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि यार हमारे रेड हल्क का सीरम कैसा होता है। सो 3, 2, 1। तो ये देखो यार हमने यहाँ पर हमारे रेड हल्क का सीरम भी निकाल लिया है, और हमारे रेड हल्क के सीरम में से बिल्कुल हमारे रेड हल्क जैसी पावर निकल रही है, और ये रेड पावर काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। तो मैं अभी इसे अपने ट्रक में डालकर जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। सो गाइज यार अभी हमारे पास यहाँ पर हमारे तीन सबसे सुपर हीरो अवेंजर्स का सीरम आ चुका है, जिसकी मदद से कि यार हम यहाँ पर हमारा काफी खतरनाक वाला अवेंजर बनाएंगे। तो चलो यार अभी ना मुझे यहाँ पर हमारे किसी जाइंट अवेंजर्स के पास जाना होगा, क्योंकि यार हमारे जॉइंट अवेंजर ही हमारे न्यू अवेंजर्स को बना सकते हैं, वरना यार हमारे न्यू अवेंजर को बनाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसीलिए गाइज यार अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ यार एक बार जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि यार मैं यहाँ पर हमारे जॉइंट अवेंजर्स की दुनिया में जा सकूँ, वरना यार हमारी पूरी की पूरी मेहनत यहाँ पर ख़राब हो जाएगी। इसीलिए प्लीज़ यार अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो 3, 2, 1। सो ऑलराइट गाइज अभी हम यहाँ पर हमारे जॉइंट अवेंजर्स की दुनिया में आ चुके हैं, और उसका एंट्री गेट यहाँ से ही था। तो मैं जान चुका हूँ कि अभी हम हमारे जॉइंट अवेंजर्स की दुनिया में हैं। तो यार अगर आपको हमारा कोई जॉइंट अवेंजर यहाँ पर दिखता है तो आप हमें बता सकते हो। तो चलो देखते हैं कि यार यहाँ पर कौन है। अरे यार यहाँ पर ये कौन है गाइज, देखो यहाँ पर मुझे जॉइंट बेबी हल्क मिला है। यार ये जॉइंट बेबी हल्क भी कितना ज्यादा बड़ा है। तो चलो यार अगर हमें यहाँ पर इस जॉइंट बेबी हल्क से बात करनी है तो मुझे यहाँ पर इस बंकर के ऊपर चढ़ना होगा। वैसे भी यार आप देख सकते हो कि मेरा साइज और इसका साइज कितना ज्यादा छोटा बड़ा है, और वैसे भी ये जॉइंट बेबी हल्क है। तो चलो यार अभी जल्दी से मैं इस हेलीकॉप्टर में बैठता हूँ और यहाँ पर मैं इस बंकर पर चढ़ता हूँ। तो चलो यार अभी हम यहाँ पर ऊपर भी आ चुके हैं, एंड अभी मुझे इस जॉइंट बेबी हल्क से बात करनी होगी। तो हेलो जॉइंट बेबी हल्क, तुम कैसे हो? अरे फ्रैंकलिन,
मैं तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे दरअसल जायंट बेबी हल्क यार, यहाँ पर ना मैं एक न्यू एवेंजर बनवाना चाहता हूँ, तो इसीलिए यार यहाँ पर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। लेकिन फ्रैंकलिन, मैं तो जायंट बेबी हल्क हूँ, तो मैं न्यू एवेंजर कैसे बना सकता हूँ? अरे जायंट बेबी हल्क यार, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास यार वो पावर है जिसकी मदद से कि यार तुम ना कोई भी न्यू एवेंजर बना सकते हो। और ये देखो यार, यहाँ पर ना मैं हमारे 3 सुपर हीरो का सीरम भी लाया हूँ जिसकी मदद से कि यार तुम हमारा न्यू एवेंजर बना सकते हो। तो ठीक है गाइज, अभी मैं न्यू एवेंजर बनाने जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं न्यू एवेंजर अच्छा बनाऊँ, तो जल्दी जल्दी से कमेंट में जायंट बेबी हल्क लिख दो। और आप जैसे ही कमेंट में जायंट बेबी हल्क लिखोगे, मैं न्यू एवेंजर बना दूंगा। तो 3, 2, 1 सो ऑलराइट गाइस, यार अभी हमारे पास यहाँ पर हमारा न्यू एवेंजर आ चुका है, और ये हमारा हल्क वेनम है। यार हमारे जायंट बेबी हल्क ने बहुत ही मस्त एवेंजर बनाया है, और यार हमने यहाँ पर हमारे हल्क और वेनम का सीरम लिया था ना, इसीलिए यार अभी हमारे पास यहाँ पर हमारा हल्क वेनम आ चुका है। तो चलो यार अभी हम इसकी पावर को ट्राई करते हैं। तो यार सबसे पहले ना मैं एक बार इसकी जंप चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे हल्क की जंप काफी ज्यादा बड़ी है। तो ये देखो यार, हमारा न्यू एवेंजर काफी ज्यादा पावरफुल है, और ये यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। ये देखो मेरी जंप कितनी ज्यादा पावरफुल है, और अभी मैं यहाँ पर इसकी स्पीड टेस्ट करता हूँ, तो यार इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा मस्त है। तो चलो देखते हैं कि यार अभी यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर ये मिलिट्री की जीप है, तो मैं एक बार इसे तोड़फोड़ मचाता हूँ। तो ये देखो यार, यहाँ पर अभी मिलिट्री मेरे पीछे पड़ने वाली है, और यार इससे पहले कि कोई मुझे मारना स्टार्ट करे, मैं जल्दी से अपनी सिटी में चलता हूँ। तो गाइज अभी हम यहाँ पर हमारी सिटी में आ चुके हैं, और यार हमारी जो वेनम के स्विंग है ना, ये काफी ज्यादा मस्त है, और अभी हमारे पास वेनम और हल्क की पावर मिक्स हो चुकी है। तो यार ये सच में काफी ज्यादा मस्त है। तो यार अभी यहाँ पर ये मिलिट्री मुझे मारने आ चुकी है, तो अभी देखना मैं इसका क्या हाल करता हूँ। ये देखो हमारे वेनम और हल्क की पावर मिलकर कितनी ज्यादा जबरदस्त हो चुकी है, और इन्हें तो यार मैं कच्चाई चबा जाऊंगा। ये देखो भाई साहब, यार यहाँ पर काफी ज्यादा ब्रूटल होता जा रहा है, और मैंने इस जीप का क्या हाल कर दिया है यार, ये मुझे गन से मार रहा है। तो जल्दी से अभी मैं इसे कच्चाई खा जाता हूँ। और यार हमारे न्यू एवेंजर की पावर तो काफी ज्यादा मस्त है, तो यार मैं इसका नाम ना हल्क वेनम रख देता हूँ। तो यार जल्दी से मैं यहाँ पर अभी अपने स्पाइक्स मारता हूँ, ताकि जो भी मेरे पास होंगे वो सभी मर जाए। तो लिटरली गाइज यार, हमारा न्यू एवेंजर काफी ज्यादा मस्त है। और यार आपको हमारा न्यू एवेंजर कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हो। और अभी मुझे उस हल्क बस्टर को ढूंढना है जो कि हमें कितना ज्यादा तंग कर रहा था, तो अभी देखना यार उस हल्क बस्टर का मैं क्या हाल करता हूँ। तो ये देखो गाइज यार, अभी हमारे पास यहाँ पर हमारा हल्क बस्टर भी आ चुका है, और इसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हमारे हल्क वेनम की पावर के आगे ये हल्क बस्टर तो बिल्कुल भी नहीं टिक सकता है। ये देखो यार, हम यहाँ पर हल्क बस्टर का क्या हाल कर रहे हैं, वरना हमारा हल्क बस्टर यार काफी ज्यादा पावरफुल है, और इसने तो यार एक बार ना हमारे हल्क को भी बेहोश कर दिया था। लेकिन हमारे हल्क वेनम को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और अभी हमारा हल्क वेनम बिल्कुल रेज बूस्ट में आ चुका है। वैसे यार हल्क बस्टर भी ना इतनी जल्दी तो हार मानने वाला नहीं है, पता नहीं वो कहाँ गया। और ये यार हल्क बस्टर मिसाइल छोड़ रहा है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और एक बार अगर ये मेरे पास आ जाता है, तो ये देखो वेनम की पावर का इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, और आज मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये देखो हमारे हल्क वेनम ने हल्क बस्टर का भाई क्या हाल कर दिया है। यार अभी मुझे इस हल्क बस्टर को छोड़ देना चाहिए, वरना ये बिल्कुल ही मर जाएगा। हल्क वेनम, मुझे माफ कर दो, मैं हल्क बस्टर नहीं जानता था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे, लेकिन अभी मैं तुम्हारी सिटी में कभी नहीं आऊंगा। नहीं हल्क बस्टर, तुमने हल्क वेनम को बहुत ही कमजोर समझा था, लेकिन आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। सो ऑसम गाइस, यार हमारे हल्क वेनम ने यहाँ पर हमारे हल्क बस्टर को हरा दिया है, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर हमारा न्यू एवेंजर भी आ चुका है। तो यार अगर आप चाहते हो कि मैं हमारे न्यू एवेंजर की फाइट हमारे रेड हल्क से भी कराऊं, तो यार एक बार जल्दी जल्दी से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिख दो, ताकि यार मुझे पता लग जाए कि यार आपको हमारे इस एवेंजर की नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए। तो यार अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो।